जीव ज्ञान को अपने आगे बैठे, जीव ज्ञान को आत्मा जीत कर दिया, सिंपल ऐसा से नहीं हो गया। लेकिन आत्मा का अनुभव करने से जीव ज्ञान उनके पास हो क्या करे, केवल ज्ञान को अपने बस में कर लिया, रिद्धियां होती है रिद्धियां, केवल ज्ञान को अपने बस में कर लिया। तो अविनाशी चेतन ज्योति केवल ज्ञान को आत्माधीन प्रकट किया है। आगे लिखा है परिणमन मात्र की अपेक्षा समस्त वस्तुओं के उत्पाद व्यय और द्रव्य को, अब यहाँ पर भी अपेक्षा नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा है अपेक्षा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परिणाम मात्र विश्वोदय प्रलय पालन कर्त्र, इसमें परिणाम मात्र विश्वोदय अर्थात परिणाम विश्व के परिणामों के उत्पाद व्यय को, विश्व के पदार्थों के परिणाम मात्र परिणामों के उत्पाद व्यय के पालन करता है। वस्तुओं के उत्पाद व्यय और द्रव्य के पालन करने वाले कहा, उन्होंने करने वाला नहीं कहा, लेकिन अनुग्रह में सीधा लिखा है कि वो उत्पाद व्यय द्रव्य को करने वाला, मूल छंद में क्या लिखा है उत्पाद व्यय द्रव्य को पालन करने वाले, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, करने वाला और पालन करने वाले में बहुत फर्क है। एक पिता अपनी संतान को करता है और चाचा अपने भतीजे को पालता है, तो करता और पालने में अंतर समझ में, तो क्या पालता है, जनक तो नहीं है ना, चाचा भतीजे को पालता है, पालता का मतलब होता है मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। अजैनों में भी कहते हैं सृजक के पालन हारे, पालन में क्या पालन करते हैं, और सिद्ध तो होता ही नहीं जिस अर्थ में करते हैं, उनका भी सिद्ध नहीं होता, लेकिन उनकी भी जब आध्यात्मिक टीका और भाष्य पढ़ेंगे तो वे भी यही कहते हैं भगवान कुछ नहीं करता। हिंदुओं में वेदांत वगैरह में भी भगवान को करता नहीं माना उन्होंने, अब आम पब्लिक नहीं मानती वाला, क्योंकि वो सूक्ष्म जब व्याख्या पढ़ोगे ना, एक तरह जब ये कहते हैं जाय विधि राखे राम ताई विधि रही, ये पालन आ रहा होगा, और फिर वो फल नहीं देती, माँ कदाचन क्या है, वो कृष्ण कहते हैं गीता में मैं किसी को फल नहीं देता, उनके कर्मों के उदय के अनुसार उनका फल मिलता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तो भगवान क्या करेगा, भगवान ये जानते हैं, उन्होंने कहा है इतना उपकार। ये तो चरणानी की शैली है, भक्ति की शैली है, जाय विधि राखे नाम, हाँ कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल चाखा, माने उधर भी कर्तव्य सिद्ध नहीं होता, बहुत आलोचनाएं हुई, लेकिन वो सूक्ष्म व्याख्या भाष से पढ़ोगे उनके, तो उन्होंने कर्ता नहीं माना, जैसा कर्म करोगे उसका फल होगा। मैंने सिंधी कह रहा हूँ भगवान को यहाँ पर पालन करता कहा है, लेकिन पालन का अर्थ छूट गए हैं और कर्ता लिख गया, इसलिए मुझे जालू जी दिखाने की इच्छा हुई, मैं दिखाऊँ आपको, इसमें पालन कर्ता लिखा है अर्थात पालन करता, पालन छह खंड का पालन कर रहे कैसे करते, छह खंड का पालन करते क्या करते, छह खंड की सुरक्षा का विचार करती है, और क्या करती होता, छह खंड में राजा तो वे ही होती, ये राजाओं का राजा बन जाती तो कोई भी नीति बनती है, राजा उनका पालन करवाता है, पालन करवाना समझ गए, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करो, तो कैसे क्या करते हो पालन, अनुकरण करो। ऐसे ही भगवान द्रव्य पर्याय के स्वरूप को जानते हैं, इसका नाम है पालन करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग सारे विश्व को उपदेश देते हैं, और जो जो अकॉर्डिंग उपदेश के रहता है वे भी पालन करता कहलाते हैं।
छह खंड का राज्य का पालन करते हैं, पालन करते हैं जानते हैं, सब समाचार मालूम पड़ जाते हैं, बिल्कुल ठीक जैसे उत्पाद में ध्रुव को जानते हैं, ऐसा हो रहा है बस खत्म। तो इस अर्थ में मुझे एक बार पढ़ाने की इच्छा हुई और इसीलिए मैंने दूसरी लाइन का यहाँ जो इसमें कर्त का अर्थ रह गया था और पर्याय ने जोड़ दिया था यहाँ नीचे वाले छंदों में, तो उसकी मैंने एक पंक्ति अपने हिसाब से लिखी है, उन्हें दिखाई अभय कुमार जी को, मान्य करेंगे तो ठीक है। तो मैंने एक दूसरी पंक्ति में जिस तरह से गा रहा हूँ आप उसमें दूसरी तरह की पंक्ति देखिए, उन्होंने लिखा है व्यय उत्पाद द्रव्यमय जग का पर्याय नैसे करता है, लेकिन पर्याय नैसे भी करता जिनवाणी नहीं कहती, पर्याय नैसे करता है नहीं, लगता है ये तुम कहो तो भले ही कह दो एक बार, ये करता नहीं है, क्यों आत्मा के दो स्वरूप नहीं है, द्रव्य दृष्टि से अकर्ता है, पर्याय दृष्टि से करता है, ऐसा नहीं है, अकर्ता ही, लेकिन अज्ञानियों को समझाने के लिए करता भी कहते हैं। व्यवहार का मतलब करता है नहीं, करता कहती, ऐसे समझना। तो मैंने इसकी लाइन अभी लिखी है, मैंने इस तरह से लिखा है अखिल विश्व का पालन करता ज्ञप्ति क्रिया का करता है, दूसरी लाइन इसमें लिखा है व्यय उत्पाद द्रव्यमय जग का पर्याय नहीं से करता था। तो मैंने लिखा है अखिल विश्व का पालन करता ज्ञप्ति क्रिया का करता है, उन्हें दिखा लेंगे ना इसको। अगले छंद में भी मुझे बहुत सुंदर शब्द लगे जिसे मैं उसको एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको, बाकी तो मैंने सब पढ़ा दिया आपको, लेकिन अमृत चंद्र चिदेक पीताम इस शब्द में मुझे बहुत अच्छा शब्द जो लग रहा है टीका में वो मुझे बताना चाहेगा। सीधा सीधा सरल अर्थ तो उन्होंने कर दिया जिसको अपन कहते हैं बालबोध टीका, तो बालबोध टीका है जी अमृत चंद्र आचार्य के ज्ञान द्वारा गृहित, लेकिन मैंने इसका अर्थ किया है जो भव्य जीव एक चैतन्य चंद्रामत पान करके, चैतन्य चंद्रामत पान करके अर्थात चैतन्य चंद्र माने शुद्धात्मा का अनुभव करके संपूर्ण रूप से छक गए हैं, भर गए हैं, ऐसे अमृतचंद स्वामी उस अनुभूति स्वरूप का आनंद लेते हुए फिर जिनेन्द्र देव की स्तुति कर रहे हैं, परिपूर्ण अर्थ से युक्त रश्मादि तीर्थंकरों की नामावली रूप इस स्तुति का चिंतन करते हैं, मैंने भावना करते हैं, कल बताया था। और फिर नीचे लिखा था कर्म बंधन ही नहीं होता, तो हमने उसमें लिखा अभी भाव कर्म उत्पन्न नहीं होते अर्थात रागादि उत्पन्न ही नहीं होता, ये तो भी कर्ता की चर्चा। अब आ जाओ दूसरे चैप्टर में केवल ज्ञान प्रकाश का महान उदय। इस अध्याय में केवल ज्ञान प्रकाश के महान उदय की महिमा बताकर उस ज्ञान प्रकाश की श्रद्धा करने वाले जीव को अपने में कैसा चेतन निदान दिखाई देता है वो बिल्कुल सरासर लिख रहे हैं, तथा सम्य श्रद्धा के फल स्वरूप उस जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती है ये बताया। ठीक है, भगवान के केवल ज्ञान प्रकाश की महिमा करेंगे और यदि उनकी महिमा करोगे तो तुम्हें अपना चेतन आत्मा कैसा दिखाई देगा, चेतन निदान कैसा अनुभव में आएगा और उसके फल में परमात्मा की प्राप्ति होती है। सरल है, कठिन तो नहीं। देखो मैंने भगवान को निरख कर अपने को कैसे निरखोगे और अपने को निरखने का फल है परमात्मा पद यह बताया है, इसी तरह वस्तु का अनेकान स्वरूप भी बताया है, करेंगे इसकी चर्चा विस्तार से। सर्व की श्रद्धा के बल से स्तुतिकार आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु आपके साक्षात प्रत्यक्ष विद्यमान होने पर भी, बहुत सुंदर शब्द दे रहे हैं जरा ध्यान से सुनो, आपके साक्षात प्रत्यक्ष विद्यमान होने पर भी विषया सक्त पशु समान अज्ञानी जीव आपको नहीं देखते, विषया सक्त जीव आपको नहीं देखते हैं, क्या कह रहे हैं, आपको देखे ना भगवान बन जाए, ऊपर तो कह दिया आपको देखे तो भगवान बन जाए, लेकिन विषया सक्त विषयों में जिन्हें आसक्ति है, पांच इंद्रियों विषयों में जिन्हें सुख लगता है, पांच इंद्रियों की वृद्धि पर जिन्हें विषयों की वृद्धि में बड़ी वृद्धि लगती है, भाग्य लगता है, पुण्योदय लगता है और सामग्री घट जाए तो पापोदय लगता है, ऐसे जीव आपको नहीं देख पाते। भगवान के दर्शन करेगी नहीं करेगी,
श्रीमद जी लिखा है पत्रांकों में, यदि भगवान जिनेन्द्र देव का दर्शन करने के बाद विषयों की आसक्ति न घटे तो समझना चाहिए कि तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए। हरे कृष्ण बेटे, तुम थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़े थोड़े दाऊ ऐसा दाऊ के साथ आ जाओगे बीच इस पर, शाबाश, थोड़ा सा तैयारी कर बात आपको ये आगे जाओ, थोड़ा थोड़ा साइड में ले, कोई नहीं, हाँ समझ गए, इसलिए हम लड़के वही कह रहे थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अब इसको समझे, सर्वज्ञ की श्रद्धा के बल पर स्तुतिकार आचार्य कहते हैं, हे प्रभु आपके साक्षात प्रत्यक्ष विद्यमान होने पर, साक्षात प्रत्यक्ष विद्यमान होने पर भी कि आत्मा के आश्रय का जो फल है, इतना देखने पर भी विद्या शक्ति नहीं घटी, बल्कि आपको नहीं दिखा। फिर से जो आत्मा का फल तो है परमात्मापना है, आत्मा को जानने पर तो सम्यक दर्शन होता है, आत्मा को जानने पर तो प्रभुता का विश्वास होता है, तो इतना होने पर भी विद्या शक्ति नहीं मिटी घटी, अरे तो किसी ने देखा ही नहीं आज, किसी का कैंसर ठीक हो जाए और ठीक ही हो गया और तुम उसे मिलने गए, तुम्हें भी कैंसर है, उसे देखने गए तो उसने कहा भैया कुछ नहीं, हमने दो दिन हल्दी पी थी और अभी भी तुम्हें हल्दी अच्छी नहीं लग रही है ना, हम 10 लाख के इंजेक्शन लिया, हमको क्या हुई है, अब वो आसक्ति, आसक्ति इलाज नहीं करने देती, क्या कह रहे हैं, आसक्ति फ्री का इलाज नहीं करने देती। अच्छा भाई, इतने लोग मूर्ख हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, अभी जितने लोग भी नेचुरोपैथी पर आक्षेप करते हैं यही तो कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन उनसे जांचें हो रही ऐसा हो रहा, ये गलत है, तुम सही भाई, गलत सही की बात नहीं है, बात है कि तुम्हें दिख नहीं रही प्रत्यक्ष। पंडित साहब की तो रचना है बहुत सुंदर, आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया, क्या लिख रहे हैं भगवान जी ने देखो, देखे क्या लिख रहे हैं, आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया, दर्शन से निज में रमने का भाव मुझे उमगाया, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। चार लाइनों में सब कह दिया, असल में हमें क्या लगता है, हमारे कुल देवता है, सही बताया मुझे, देवता है और अपने भगवान, अपन नहीं विराजमान करी, अपन नहीं पूजे तो को पूजे, पाप लगा था अपन, अपन नहीं पूजा था व्यापार में घाट हो जा, भगवान देखा ना सब, ऐसी नाना बुद्धियों से पूछते हैं। हमने अभी कह रहा था कैंसर मिट गया और दूसरे जिसको कैंसर वो कैसे देखता, सही बताना बस, अरे तो हम भी खा लेंगे, इसमें क्या है, आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया, दर्शन से पलट गया परिणति का पास, दर्शन करते ही समय दर्शन हो जाता है, या तो दर्शन सही से नहीं हो रहे तो लिखो ना, दर्शन क्यों नहीं हो रहे सही, समझ रहे कुछ, दर्शन करने समय तुम सोच में बैठे हो, विचार में बैठे हो, कुछ चिंतन है, ऊट पटांग वो चल रहा है, उसे देख में बैठे हो, नहीं तुम देखो ना आत्माश्रय का फल तो जी रहा, सम्यक दर्शन में कुछ नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है, सम्यक दर्शन में राग नहीं मिटते, द्वेष नहीं मिटता, भोग नहीं मिटते, बस इतना विश्वास जग जाता है कि ये आत्मा का फल है, और कुछ नहीं होता। अपन कह सकते हो 10 बार रोटी खा रहे ऐसे कैसे समय दो, समझे दो नाव की सवारी कर रहे ऐसे कैसे, अरे दो नाव की सवारी कर ही नहीं सकते, करके बता दो कैसे कर लोगे, दो नाव की सवारी कैसे कर लोगे, श्रद्धा एक ही तरफ जाती है, चारिक मोह के उदय में भोजन अधिक होता है, वो दूसरी नाव नहीं है, चारित मोह के उदय में पूजा पाठ व्रतोपवास के भाव आते हैं, वो कोई दूसरी नाव नहीं है, मोह है वो, मोक्ष मार्ग नहीं है, क्या कह रही हूँ, 14 के दिन एक टाइम शुद्ध भोजन करना वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो मोह के उदय का काम है, दूसरी नाव नहीं है वो, सम्यक दृष्टि से विवाह करते हुए देखे जा रहे हो, दूसरी नाव नहीं है वो, चारित मोह का प्रकोप है,
वे चार के मूल का प्रकोप जानते हैं, आनंद नहीं जानते। आनंद जाने तो मिथ्या है, सम्यक दृष्टि आनंद मान के विवाह करे तो मिथ्या दृष्टि है, और कर्म का उदय मात्र जानकर विवाह करता है तो वो चारित्र मूल का उसे पसंद नहीं है। वो प्रकोप अंदर में अनासक्त रहता है, प्रवर्तित है, मालूम है जैसे समय पूरा होगा वो चले जाएंगे। आदिनाथ भगवान चले गए फटाफट, और जो जो थे अपना समय पाकर गए, और ऐसे गए कि मोक्ष ही लिया। रामचंद्र जी ने आठ हजार पत्नियां रहती हैं, कितनी रहती इनकी बलभद्र की? आठ हजार, आठ हजार पत्नियां, एक में भी आ सकते नहीं थी मोक्ष में, छियानवे रानियों में आ सकते नहीं थी। मैंने ये पकड़ने लायक है, हमें क्या लगता है उन्होंने तो शादी करी, ये देखने लायक नहीं उन्होंने शादी करी। उनकी शादी हुई, तुम भी करो मत, वो ही हो जानते अनासक्त बने रहना, तो बुद्धि मत रखना, तर जाओगे। इतना सरल करना, मैंने दो नाव की सवारी नहीं ये कह रहे हैं, आया समझ में आया? देखो क्या कह रही, श्रद्धा करने वाले आ गए, सर्व की श्रद्धा के बल से बहुत जोरदार है। विषयासक्त आगे, विषयासक्त पशु समान है, ज्ञानी जीव आपको नहीं देखते। प्रभु आप तो केवल ज्ञान समझ को ये घूट की तरह पी गए। केवल ज्ञान को कैसे पी गए? ये घूट की तरह पी गए। एक घूट माने एक पर्याय, एक समय की पर्याय में लोगों लोग को जान लिया आपने, कुछ बचे ही नहीं। अब कुछ नहीं बचा, लोग तीनों लोग अब क्यों जानना वहां की रहा? नहीं, पहले समय में इतना जानते, दूसरे समय में इतना जानते, तीसरे समय में ऐसा नहीं है। एक ही घूट में पी गए लोगों लोग को, है ना? पी गए माने समझ गए, ये समझ ना, पीना वीना नहीं है सर, कोई समझ गए कैसा है। शांत रसमयी मिला, शांत रसमयी आपको पहचान कर निशांत चेतन रस में प्रवर्तन करने से कसाय रूपी मलिन गोदड़ी क्षण भर में छूट जाती है। गोदड़ी कहो, गुदड़ी कहो, क्षण भर में छूट जाती है। हे देव, हमें तो आपका केवल ज्ञान रूप तेज प्रत्यक्ष, आह क्या बढ़िया वहां से, देखो जी अनुभूति बता रही है, अमृत स्वामी अनुभूति बता रहे, हमें तो आपका केवल ज्ञान रूप तेज प्रत्यक्ष हो गए, मैंने हमें अनुभव में आ गया, अतः उसके तेज प्रकाश में हमारे इंद्रिय नेत्र बंद हो गए, इंद्रिय ज्ञान हमारा बंद हो गया। क्रोध कब तक आता पता चलता, इंद्रिय ज्ञान काम करता है, जब ज्ञान काम करता है ना तो क्रोध शांत हो जाता है। देख लेना, कान से सुनोगे, हमने सुनी ने भाई बुराई करी, और जैसे अतिंद्रिय ज्ञान नेत्र से देखा, कौन किसकी बुराई कर सकता है? एक बात के बोलने में असमर्थ है जीव, मनुष्य एक बात के नहीं बोल सकता, क्या कह रहे, कैसे नहीं बोल सकते? हम तो बोल सकते हैं, बोल के बता, सामने वाले का साधा बीतनी का उदय ना हो, अपित प्रकृति का उदय नहीं हो तो बोल के बता दो उनके खिलाफ, नहीं समझ में तो बोल के बता, विकास बोल नहीं सकते। देखा घर में तुमने, बिल्कुल घर में तो प्रैक्टिकल देखा होगा, देरान जेठानी नहीं बन रही, और अब अपन लगे जी आपस में कभी बात नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है, दस साल तक नहीं बोले और एक दिन में तो ही बोल पड़ी, तो कैसे बोल पड़ी? क्योंकि आज उन दोनों के बोलने का योग कर्म का उदय था ना, बोल पड़े। कैसे बोल पड़े? देरानी घर में बिटिया की शादी थी, अब जेठानी को बुलाएंगे तो आदर से बुलाना पड़ेगा, और जी जी तुम सब संभालो, नेक कराओ, नेक कराओ, समझे, सारे काम कराओ, तुम्हें देखो तुम्हारी बिटिया है, हम क्या करें, और पैर भी पड़ रहे और सब, अब सब, अब कोई नहीं कह, तुम तो इनसे नहीं बोलती। अब देखो दुनिया में ऐसा नहीं चला, अपन अंदर भले ही समझो कि ये खराब है, ऊपर से तो बोल ही रहे, बोले उन्होंने बड़े दौड़ दौड़ के काम किया, क्यों तुम इतने दौड़ दौड़ काम क्यों कर रहे? अरे देखो भैया अपनी बिटिया है, जो लोग क्या कहेंगे, हो जाए कल अपने घर में भी ब्याह होने, यही काम आएंगे, मैं काम आएंगे इसलिए बोल रही, वो श्रद्धा से नहीं बोले, नहीं बोले तो ना जी कह रहे हैं, तुम बोलने नहीं बोलने वाले कोई नहीं हो, ध्यान रखना, एक परमाणु का परिणमन भी किसी के कराने से नहीं होता, तो बोलने वाले नहीं बोले क्या बात, क्या कहा मेरे समझ में आया कुछ? इंद्रिय ज्ञान से देखते हुए बोल रहे हैं तब क्रोध आता है, अतिंद्रिय ज्ञान से देखते हैं तो क्रोध शांत हो जाता है, कैसे लगाना है? इंद्रिय नेत्र बंद हो गए, इंद्रिय नेत्र मन इंद्रिय ज्ञान, पूरा ज्ञान लेना, ध्यान रखना, और ज्ञान नेत्र खुल गए हैं और हमें वस्तु स्वरूप दिखाई देने लगा, देखो कितनी प्यारी भाषा, इसे लेके बैठ जाओ बस,
नहीं खुल रहे हैं आत्मनिर्भर ज्ञान तो देखो क्यों नहीं खुल रहे, इनके तो खुल गए। आगे आचार्य कहते हैं कि विभिन्न आत्मशक्तियों के समूह रूप ये आत्मा नए दृष्टि से खंड खंड होकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। नए दृष्टि से खंड खंड हो गए, वो नए दृष्टि को प्रमाण मान लेता हूँ, नए दृष्टि को सही मान लेता हूँ, उसी को सत्य सत्यार्थ मान लेता हूँ, एक शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। अतः मैं अखंड एक शांत अविनाशी चेतन रूप हूँ। ये पूरे चैप्टर का भाव की भूमिका बनाई है, अब इसमें पूरी 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 चर्चा चलेगी, इसलिए इसको अभी ज्यादा नहीं बोले हम। अब अपन छंद पढ़ते हैं इसका, पढ़िए आदिनाथ भगवान की स्तुति का पहला छंद। हे भगवान, मैं आपके अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशमान आकुलता रहित तथा अपरिमित अनंत उस दर्शन तथा ज्ञान रूप तेज का स्पर्श करता हूँ, स्पर्श करता हूँ अनुभव करता हूँ उसकी श्रद्धा करता, जो जानने देखने रूप चेतन तत्व के कारण प्राप्त विविध रूपता को न छोड़ता हुआ भी, मैंने अनेकाकार होता हुआ भी, विविध रूपता को ना छोड़ता हुआ भी, गया का रूप होता हुआ भी, एक रूप है, स्वाभाविक है और ऊर्जितम माने अनंत बल से संपन्न है। नीचे क्षण पढ़ लीजिए, नाश आपका अंतर बाह्य प्रकाशित दर्शन ज्ञान स्वरूप होता है। यहाँ आत्मा के अनंत गुणों में प्रधान दर्शन ज्ञान गुण का स्वरूप एवं महत्व दर्शाया है। ज्ञान दर्शन गुण की चर्चा चलेगी। यहाँ दर्शन को अंतर्मुख और ज्ञान को बहिर्मुख कहा गया है, समझ रहे हो? दर्शन को अंतर्मुख और ज्ञान को बहिर्मुख कहा है, इन दोनों को मिलाकर के भी स्वयं प्रकाशक कहने में आता है। दर्शन स्वयं को प्रकाशित कर देता है और ज्ञान पर को प्रकाशित करता, तो ऐसे एक विवक्षा ऐसी भी चलती है। कसाय पावड़ ग्रंथ में अंतर्मुख का अर्थ अनाकार, अनाकार ग्रहण, अनाकार ग्रहण समझते हैं संपन्न का? अनाकार माने निर्णय नहीं होता जिसमें, उसको कहते हैं अनाकार। साकार ग्रहण उसको कहते हैं जिसमें निर्णय होता है। दर्शन को अनाकार कहा है, 43 शक्तियों में दर्शन शक्ति अनाकार उपयोगमय, साकार उपयोगमय, एक ज्ञान की परिभाषा। तो समझ नहीं, इसमें जोरदार बात, जिसमें निर्णय नहीं होता अर्थात आकार भिन्न भिन्न भाषित नहीं होते, भिन्न भिन्न दिखते तो हैं, ध्यान रखना क्या काम, भिन्न भिन्न दिखते तो हैं लेकिन भाषित नहीं होते, मतलब निर्णय नहीं होता उनका, निर्णय नहीं होता। अब ये दिखते हैं ये भी हम कहें ना तो वो ज्ञान ही बन जाता है, एक चिली वहां कोई भिन्नता ही भाषित नहीं होती। जैसे एक समय में पूरा का पूरा दृश्य हमें दिखा, इसका नाम दर्शन, बाद में हमें लगा कि यहाँ पुरुष है या स्त्री है, ये ज्ञान बन गया। मैं जहां जहां निर्णय है वहां वहां ज्ञान, और जहां जहां निर्णय नहीं होता कॉमन जानने में आता देखने में आता उसका नाम दर्शन। बराबर, आगे देखो, अंतर्मुख का अर्थ अनाकार ग्रहण तथा बहिर्मुख का अर्थ साकार ग्रहण किया है। नीचे उनकी गाथाओं के रेफरेंस कोड दिए गए। अनाकार ग्रहण का भी अर्थ निर्विकल्प ग्रहण,
तथा साकार ग्रहण का अर्थ सविकल्प ग्रहण है, ये दूसरी परिभाषा बता दी उन्होंने बृहद्रव्य संग्रह की टीका करते हुए। अनाकार ग्रहण का भी अर्थ निर्विकल्प ग्रहण, निर्विकल्प सविकल्प का मतलब भी निर्णय, विकल्प नहीं लेना। वो समझ आया क्या कह रही? सविकल्प ज्ञान सविकल्प होता है, इस अपेक्षा से केवल ज्ञान को भी सविकल्प कहा। क्या कह रहे हैं समझा है? केवल ज्ञान कैसा है? सविकल्प है। सविकल्प मतलब है वे तीन लोग तीन काल की एक एक द्रगुण पर्याय को भिन्न भिन्न स्पष्ट जानते हैं, इसका नाम है सविकल्प। मैंने वो अर्थ नहीं लेना जो तुम सोचते हो हमें बहुत विकल्प आ रहे, तो क्या केवल ज्ञान में भी ऐसे विकल्प आते हैं? नहीं, ज्ञान विकल्पात्मक ही है, ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है। चार गुण नहीं लेना, नहीं वो विशेष बस निर्णय स्पष्ट जानना। मैंने चार वाला नहीं लेना, चार गुण में ही विकल्प होती, चार गुण में भी विकल्प होते हैं। समझाते हैं, कोशिश करता हूँ, समझो। एक गेय के बाद दूसरे गेय पर उपयोग जाने का नाम विकल्प है, जिसका नाम साहित्य की भाषा में ज्ञप्ति परिनमन परिवर्तन, ज्ञप्ति परिवर्तन का नाम विकल्प है। एक अर्थ हो गया ज्ञान का। अब चार गुण का लगाओ, चार गुण का कि हमें एक प्रश्न हुआ कि तुम इन्हें देखते देखते इधर कैसे देखने लगे? देखना तो हुआ, ये बात तो सही, इधर से इधर इधर जाने लगे आप, इधर से जानते जानते उधर जाने लगे। क्यों जानने लगे? जरूर आपके दिमाग में कोई विकल्प आया हुआ जानने का, वहां तो वो चार गुण हो गया। तो चार गुण की मिलावट वाला विकल्प आपको पता है, लेकिन ऑटोमेटिक विकल्प होते वो आपको पता नहीं। यदि ध्यान सुनना, आपको पता है विकल्प कौन से गुण स्थान तक आती है? बोलो भाई, विकल्प कौन से गुण स्थान तक आती? हम केवल ज्ञान तक भी कह रहे हैं, लेकिन जैसे तुम विकल्प कह रहे हैं, जिस विकल्प को कह रहे हो वो आठ गुण स्थान में भी आता है। गुण संक्रांति होती है, पर्याय संक्रांति होती है, द्रव्य संक्रांति होती है, तो वो राग वाला विकल्प यहाँ भी आता है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं करता। मुझे एक है ना, राग नुकसान नहीं पहुंचाता और ज्ञान भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ज्ञान तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता और राग भी नुकसान नहीं पहुंचाता। भले तुम राग से जान रहे हो तो भी नुकसान नहीं पहुंचा, बशर्ते तुम ये जानो कि इसमें सुख नहीं, ये जानो कि अत्यंत अभाव है, भिन्न भिन्न सत्ता है, हमारा कुछ हानि भी नहीं है और लाभ भी नहीं है। अप्रभावी माने लाभ और हानि दोनों ही नहीं है। ऐसा जानने वाले का अनंतानुबंधी राग चला गया, मन 99% राग चला गया। नहीं माया क्या कहा? अभी अभी भी हमको वही लगता है, हमारी क्रियाएं खराब है, हमारा उदय खराब है, हमारे भाव खराब है, हमारे परिणाम खराब है, हमारा शरीर खराब है। बिल्कुल मिथ्या से शरीर क्या है जैसा बना रहे तो अभी कर्म बंद नहीं होता। कसाएं दो प्रकार की हैं, मूल कसाय और नौ कसाय। क्या कहा? मूल कसाय और नौ कसाय। नौ कसाय कौन सी कहलाती है? हाथ रति अरति शोक भय निगुप्ता स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब कितना कितना क्लियर कट आनंद का विषय है। तो वो चार कसाय का तो पता ही नहीं लगता और नौ में झगड़े मचाते हो, क्योंकि नौ कसाय का मतलब नथिंग एल्स, कुछ नहीं होता इससे, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा कोई हंसता है तो हो काय के धर्मात्मा आजाद है, हंसना चाहिए शांत कर। लेकिन हंसो कौन सा पाप है? रति अरति शोक भय इनमें कोई दम नहीं, लेकिन सब क्या इनकी चप्पल चोरी के लिए रोन लगे, इन्हें बहुत मोह है, बहुत मोह है चप्पल चोरी के लिए रोन लगे, बहुत मोह है। ईजत है भाई, शोक जुगुप्सा घृणा, किसी में बहुत घृणा है, क्या बताना उनसे बात नहीं करना, ये कैसे मिथ्या दृष्टि उनसे बात नहीं कर। अरे बात नहीं करती जुगुप्सा हो सकती है, हमारी जुगुप्सा कसा हो सकती है, हम नहीं करते उनसे बात, इसका क्या मतलब? ईजत है वो, ईजत समझ गए? ईजत माने जिससे 99% बंद नहीं होता, और 1% बंद भी होता है ना वो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संजन, इनके पावर से बंद होता है, इनसे बंद नहीं होता। माने मत बंद तो होता है अनंतानुबंधी से,
मिथ्या आंत से, इससे बंद थोड़ी होता है। इसीलिए कई लोग ब्रह्मचारी हो जाते हैं, नकली रहने लगते हैं, ओ भाई क्या यहाँ से खाए ले, काहे रोके काहे खाए ले, अच्छा लगे तो अच्छे से खराब नहीं, वो मान कर सारे रहती है, लोग क्या सोचेंगे इन्हें तो खाने में बड़ी लिप्सा है, जैसे कभी खाओ ना हुए तो उन्हें समझान दो, उन्हें समझ नहीं दो ना, उन्हें यदि अनंतानुबंधी का पता नहीं है हम क्या करें, समझ में भी नहीं आ रही होगी बात। पंचम गुण स्थान वर्ती संतान की उत्पत्ति कैसे करता होगा, रो रो के करता होगा क्या? नेमिनाथ भगवान बारात लेके गई थी, जा रही थी, रो रो के गए थे रास्ता में, कहे श्रृंगार नहीं किया था उन्होंने, गहने नहीं पहने थे, कहे अब हाल तो सामने एक घंटा बाद, जब तक विवाह करने का राग था, चेहरा प्रफुल्लित था, राजल के सपने आते थे, राजल का विचार आता था कैसा चलेगा हमारा घर परिवार, कैसे वो निभेगी, जैसे विचार तुम्हें आते हैं ऐसे उन्हें भी आते थे, राग का गेम है ये, राग का ये ईसत राग का गेम है, रति चलेगी चलेगी, मैंने बिल्कुल बिल्कुल सहज जीवन है, मैंने आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे धर्मात्मा कैसे करते होंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है, जिस चलते आ रही है बहुत समझने की जरूरत है इसमें, सभी कल्प किसको कहते हैं, निर्विकल्प किसको कहते हैं, साकार अनाकार किसको कहते हैं, राग वाला विकल्प कैसा होता है वो समझना, अभी भी नहीं समझ में आती है समझो, टॉर्च होती टॉर्च जिसमें सेल डालते हो आप, अब प्रकाश करने का काम कौन का है, बल्ब का, तो कितना प्रकाश करता है, तो अब बैटरी में जितनी दम, बैटरी फुल पावर की है तो फुल प्रकाश करेगी, और बैटरी कम होती जाती है तो प्रकाश भी कम होता जाता है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही जो नौ कसाई है ना, नौ कसाई, नौ कसाई वो बल्ब की तरह है, उसका अपना कुछ काम नहीं है, उसका अपना बंद करने का कोई काम नहीं है, लेकिन जितना अनंतानुबंधी प्रत्यक्षण प्रत्यक्षण समझने का जोर होता है उतना उतना उनके निमित्त से भी बंद कहा जाता है, कहा जाता है यानी जानते हैं होता नहीं, इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे परमाचर्या करो, हसत रहो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, शोक करते रहो, जुगुप्सा करते रहो, जी हम नहीं कह रहे, लेकिन अनंतानुबंधी है ना उसे जीतना भूल जाते हैं आप, हाथ से कंट्रोल कर लिए थोड़ा, शोक भय जुगुप्सा थोड़ी कंट्रोल कर ली, स्त्री पुरुष भी नपुंसक थोड़ा कंट्रोल, हालांकि हम कह रहे कंट्रोल होता नहीं, तुम्हारी भाषा में कह रहे कंट्रोल कर लिया तो फिर वो सोचता है उनको, लेकिन अनंतानुबंधी आदि वो चार रह जाती है बात, यही बात समझ आई, चले अब पढ़ो, नहीं समझ में पूछना है थोड़ा, निर्विकल्प को सामान्य तथा सविकल्प को सामान्य, सविकल्प को विशेष कहते हैं, इस प्रकार दर्शन को अंतर्मुख, अनाकार निर्विकल्प तथा सामान्य ग्राहक और ज्ञान को बहिर्मुख, साकार सविकल्प विशेष ग्राहक कहा गया, अंतर्मुख होने से दर्शन को स्व प्रकाश, नहीं समझ में पूछने भाई, सामान्य विशेष समझ में आ गया ना, जैसे अपने इस ग्रंथ को देखा ये सामान्य हो गया, और फिर एक अक्षर देखा विशेष हो गया, किसी विषय में पहले आप क्या कहते हो सामान, फिर बोलते हो विशेष, मैं इस विषय पर प्रकाश डालूंगा ये सामान्य हो गया, फिर उसके एक एक पॉइंट बताते जाते हैं निबंध का ये विशेष हो गया, ऐसे सामान्य विशेष हर जगह लगता है, पहले तुम सोचते हो मुझे सम्यक दर्शन करना है सामान्य हो गया, फिर सामान्य क्या हो गया, दृष्टि का विषय क्या है कैसा है, लक्षण से लक्ष्य कैसे पकड़ते हैं, ऐसे विचार कर रहे विशेष हो गया, तो जितना जितना विशेष की तरफ जाते हैं उसका नाम ज्ञान, और जितना जितना सामान्य की ओर जाते हैं उतना समझ। और एक भ्रांति हुई है थोड़ी सी, एक आध जगह टीका में भी मिलता है, इसलिए लोग उसे पुष्ट भी करते हैं, टोडोमन जी सामने खुलासा किया है, कहीं कहीं ऐसा मिलता है, जैसे अंतर्मुख सामान्य, अंतर्मुख सामान्य प्रतिभास निर्विकल, तो लोगों को ऐसा लगता है कि दर्शनोपयोग में सम्यक दर्शन होता है, ये भ्रांति लोगों में चलती है अभी अभी चलती है, क्या कहा मैंने फिर से, सामान्य कैसा है निर्विकल, ज्ञान वो दर्शन कैसा है निर्विकल, सामान्य निर्विकल्प है अविशेष है, तो लोगों को क्या लगता है कि अनुभूति होगी तो सामान्य में होगी ज्ञान में नहीं होगी, तो ये एक भ्रांति चलती है, जबकि ऐसा नहीं है, सामान्य में तो ध्रुव का भी पता नहीं लगता, पता है ना
तो फिर दूरदृष्टि का विषय कैसे बना हुआ था? ज्ञान सामान्य में अनुभूति होती है। क्या कहा? ज्ञान सामान्य में अनुभूति होती है, स्पष्ट में नहीं होती। और स्पष्ट लिखा है, सबूत है, ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, अनुभूति मति ज्ञान में भी होती है और श्रुत ज्ञान में भी होती है, लेकिन दोनों की सामान्यता में होती है, विशेषता में नहीं होती। क्या बोल गए हम? सामान्यता में होती का मतलब तुम ज्ञान में विशेष में मत जाओ, ज्ञान सामान्य रहो। ज्ञान सामान्य बहुत सरल है, बहुत सरल है। दृष्टांत पकड़ना हो जल्दी समझ जाओ, तभी लोग सुनना ध्यान से। आप कार चलाना सीखिए, साइकिल चलाना तो सीखिए, तो साइकिल चलाते समय आप विशेष की ओर बढ़ते हो तो साइकिल चलाना सीख पाते हो। और जब समझ है ना, समझ सीख, सीखना और सीख मतलब कंप्लीट सीख गया आप, सीख उसको कहते हैं जो कंप्लीट सीख गया, अब उसमें सामान्य हो गया। कैसे सामान्य हो गए? चलाते समय आपको ये विकल्प निकलना पड़ता है, हैंडल चल लगाओ, सही बताना तुमको, यहाँ से विकल्प आता है लेफ्ट की राइट, कौन सा विकल्प को बटन दबाना है, वो ब्रेक दबाना है, इतना ही विकल्प नहीं करता करना पड़ता है लेफ्ट की राइट। आप हमेशा राइट ही बटन दबाते, क्यों? राइट समझिए, साइकिल का राइट हैंडल वो क्या कहता है, ब्रेक। क्यों राइट क्यों दबाते, लेफ्ट क्यों नहीं दबाते? क्यों क्यों नहीं दबाते? दो ही एक जैसे ही दबा दे कोई सभी, क्यों बताओ क्यों? है राइट पीछे का होता है और पीछे वाला ही स्पीड देता है, पीछे वाला स्पीड देता है और आगे आगे के पहिए ब्रेक लगा दे तो गिर पड़ो, और पहले पहिए के ऊपर तो घूम के कैसे गिर पड़ो, समझ गए? मैंने अब मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, इतना तो मैं सोचा भी नहीं, सोचा किसी ने मतलब नहीं सोचा मान लीजिए, तो अभी आप राइट हैंडल ही दबा मतलब पीछे का बटन, क्यों? अब किसी ने कहा नहीं तुमसे, लेकिन ऑटोमेटिक तुम्हारे मति ज्ञान में सेट हो गई वो चीज। अब ये मति ज्ञान का सामान्य हो गया, शुद्ध ज्ञान का सामान्य हो गया। ऐसे हर काम लड्डू बनाते हो ये शुद्ध ज्ञान की विशेषताओं से बनता है, और चखते हो आनंद लेते हो वो सामान्य में आनंद लेते हो। आप सामान्य नहीं होंगे ना शुद्ध ज्ञान में भी तो आनंद नहीं ले पाओगे। आप लड्डू मुंह में रख लो, विशेष करो बेसन का लड्डू, घी बढ़िया है इसमें, 40 रुपए किलो की शक्कर है, इलायची भी है, केसर भी है, सोचे तरह वैसे तो मजा नहीं ले पाओगे। तो आनंद लेने के लिए श्रुत ज्ञान का सामान होना जरूरी है। आया समझ आया? ऐसे ही आत्मा की अनुभूति करने के लिए सामान होना चाहिए। अब तुम क्या गड़बड़ करते अनुभूति के लिए? अरे आज बहुत चिंतन चल रहा है, आज मजा आएगा, आज मजा आएगा, आज बहुत चिंतन चल रहा है, सर्वज्ञ शक्ति वो हो प्रबुद्ध शक्ति, अरे कमाल हो गया, धन्य भैया आचार्य कौन कौन सामरा चंद स्वामी, उन्होंने क्या परिस्थिति में कमाल कर दिया, जो क्या कर लेते आनंद ऐसे नहीं आता। अब मान तो मैं 1 घंटा मंदिर में बैठे हो, तुम सामान्य ज्ञान में बोर हो जाते हो, तुम कह रहे थे ना तो विशेष के बारे में मजे ही नहीं आते, इसलिए पढ़ने का मन करता है, चलो पढ़ ही लो तुमने 2-4 घंटा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसी उम्र में तैयारी कर लो कि सामान्य के बल पर जीना सीखो, ये तुम थोड़े और दिन देने कर लो 10-15-20 साल, इसके बाद तुम चाह के भी ट्रैक पर नहीं लौट पाओगे, तो अवलंबन करने ही रह जाएगा, तो स्वावलंबन छूट जाएगा। स्वावलंबन तो यही करो, जैसे मैं ऐसे बैठ गया कुछ नहीं आया तो मैं बोर नहीं होता हूँ, क्यों? सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो विशेष क्यों आएगा उसमें, विशेष क्यों आएगा, विशेष तो नहीं आएगा। तो यही तो हम चाहते थे, और हम चाहते थे क्या? आत्मा तो परिपूर्ण है ही, क्यों? आत्मा के गुण भेद करने से सामान महत्वपूर्ण होता है, उससे अनुभव होता है, बता दे फिर आत्मा के गुण भी जानने में, बताने तो पर्याय भेद, मत जानने तो केवल ज्ञान, मत जानने तो पंच परमेश्वरी। ए भाई क्या 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 से बैठी मट्टी से, मट्टी से नहीं बैठे, सामान में बैठे। 2-3 दृष्टांत दे दिए, 40 दृष्टांत तुम बनाओ प्रैक्टिकल, सोचो यदि हम गुण भेद पर्याय भेद नहीं सोचे, गाथा नहीं सोचे तो क्या दिक्कत है हमें? ठीक है, समझने के लिए सामान्य से विशेष में जाती और समझने के बाद अनुभव करने के लिए विशेष से सामान्य में आते, तब तुम समझ गए ना इतने साल में, त्रिगुण पर नहीं समझे, भगवान आत्मा क्या नहीं समझे, बताना अभी लंबा लेक्चर दे दोगे,
भगवान आत्मा आहा हा हा अनंत गुण का पिंड है ऐसा पर्याय से अप्रभावी है। ढेर बातें बता दोगे, पर्याय की महिमा, दुख की महिमा, जो कुछ जन के आगे बता दोगे, नित्य अनित्य एक अनेक सब बता तो समझ गए ना। अब क्या करना, बताओ कार खरीदते समय कितने विकल्प होते हैं, कौन से कलर के लिए, कैसे भला एसेसरी, पहिया कौन सी कंपनी के, ये वो सब नहीं सोचते, सब सोच दिया। अब चलाते समय क्या करते, कैसे सोचते हो, जे के टायर ऐसे देख लेंगे, जे के होता है वो ऐसे चलाए जो बहुत मजबूत है, ऐसे सारी ऐसे करते हो। उस समय ज्ञान सामान्य नहीं हो तो चला नहीं पाओगे। अच्छा तुम बताना, मेरी कार है और मैं आनंद से चला रहा हूँ, इसमें फर्क पड़ गया इससे, यदि मैं सारी चीजें नहीं सोची, ऐसे सरी और टायर और क्या कहलाता वो स्टेयरिंग और भी जो जो होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं उस समय नाम नहीं पता, ब्रेक और जो कुछ गियर, तो क्या गाड़ी नहीं चलती, वैसे चलती तो मजे में रहता, चलती चली जाती गाड़ी, सामान के बिना नहीं चला सकते, समझ आ रहा है, सीधे बैठे बैठे आए समझ आया, फिर से देखो। लेकिन ये भ्रम नहीं पालना कि दर्शनों को योग में सम्यक दर्शन होता है, ये मत पालना, ये कह रहे हैं सामान्य लिखा है ना, निर्विकल्प लिखा है, तो इस शब्द के भ्रम नहीं खड़ा कर लेना, दर्शन में सामान्य होता तो वहां ध्रुव ही सामान्य नहीं होता, ध्रुव का ही पता नहीं लगता वहां। चलो आगे चल रहे, अंतर्मुख होने से दर्शन को स्वप्रकाशक तथा बहिर्मुख होने से ज्ञान को पर प्रकाशक माना गया है, नियम से आदमी देख लेना, परंतु दर्शन मात्र स्वप्रकाशक है ही हो ऐसा नहीं, ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही हो ऐसा एकांत भी सर्वथा स्वीकार नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव ने ऐसी मान्यता को अयथार्थ घोषित किया है, नियम सार जी की गाथा 161 में, साथ ही दर्शन एवं ज्ञान दोनों को स्वपर प्रकाशक बताया है। आचार्य कुंकुम स्वामी के उक्त कथनों का सविस्तार एवं सतर्क स्पष्टीकरण पद्म कुमलधारी देव ने संबंधित गाथाओं की टीका लिखकर किया है। आचार्य लिखते हैं कि हे भगवान, आपका दर्शन ज्ञान स्वभाव पूर्णता अनाकुल अपरिमित अनंत तथा देखने जानने की विविध रूपता विविधता रूप होकर भी एक रूप ही है। मैं आपके यथोक्त दर्शन ज्ञान में एक दृढ़ स्वभाव का स्पर्श करता हूँ, सद्धान करता हूँ। देखो भाई, जितने लोग बाद में आए उनसे तो हम कच्ची नहीं कह सकते, उन्हें कच्ची समझ में नहीं आई होगी, इसलिए एक बार फिर इसका हम सारा समझाते हैं। अब एकदम सरल भाषा, अब इन शब्दों को नहीं लूंगा मैं, लेकिन इसमें दो तीन शब्द हैं जो बहुत काम के हैं, उन्हें समझो। सभी लोग नहीं उपयोग लगाओ तो अब अच्छे से बैठ जाओ। देखो हम तो समझ रहे हैं, फटाफट बोलते हैं, जो पकड़ने वाले भी पकड़ लेंगे, लेकिन आम पब्लिक को अभी समझ में कुछ नहीं आया। फिर से एक बहुत अच्छी बात है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि भगवान की ज्ञान दर्शन की स्तुति करके हमें अपना ज्ञान दर्शन सामने आया, इस पे हमें भजन देना है। क्या सामने आया कि भगवान का ज्ञान दर्शन स्वपर प्रकाशक है, ठीक है, इतिहास में तो फिर मेरा ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, एक। अब दूसरी बात बहुत काम की, ध्यान से सुनना, ज्ञान का सहज स्वभाव ही पर प्रकाशन है, लेकिन उस काल में भी स्वयं प्रकाशन रुकता नहीं, इसलिए पर प्रकाशन का नाम लेकर के भी तुम दुखी मत होना। बहुत बड़ी बात कह दी हमने, बहुत सारांश की बात है। उसको इसमें क्या लिखा है, विविधता रूप होने पर भी आप एक रूप ही हो, विविधता रूप माने घियाकार रूप होकर के भी आप ज्ञान रूप ही हो। सरल दृष्टांत, बिल्कुल सरलतम दृष्टांत, दर्पण में हरा पर्दा, लाल पर्दा, काला पर्दा, सफेद पर्दा, ऐसे अनेक पर्दे झलक जाते हैं तो दर्पण भी अनेक रूप दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, होता नहीं है, इसलिए वो एक ही रूप है। टेलीविजन का दृष्टांत, अनेक प्रकार के राग बैराग के दृश्य आ जाते हैं, क्रोध के, मान के, लड़ाई के, झगड़े के, हित्या हिंसा के, बासना के, तमाम चलते हैं। क्यों, गंदी पिक्चर निकल जाती है तो फिर तुम अपने टीवी को निलाते हो, कहीं शुद्ध नहीं करो, इतनी गंदी पिक्चर निकल गई गांव में से, क्यों हिंसा कांड, मर क्या कहते मर्डर, खून बह रहा है, वो सब उसमें झलक रहा था,
तो तुम उसको शुद्ध नहीं करते थे? ऐसे ही पद प्रकाशन के काल में भी मैं स्वर प्रकाशन ही है, ऐसा स्वर प्रकाशन करना तुम्हारा कर्तव्य है, जिसको इसमें लिखा है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, स्पर्श करता हूँ। हे भगवान, मैं आपके तथोक्त माने जिस प्रकार वस्तु स्वरूप आपने कहा उसी प्रकार दर्शन ज्ञान एक दृढ़ स्वभाव का स्पर्श करता हूँ, अर्थात अनुभव करता हूँ। फिर से पढ़ो, कितनी सुंदर। मैं आपके मिला तथोक्त माने जैसा आपने कहा वैसा, तथोक्त माने कैसा अनुभव कर रहा हूँ मैं, जैसा आपने कहा है। दर्शन ज्ञान मैं एक दृढ़ स्वभाव का स्पर्श करता हूँ, माने मैं रागी अनुभव नहीं करता, द्वेषी अनुभव नहीं करता, पापी अनुभव नहीं करता। विजय का समय दर्शन, तुम्हें अभी इसलिए समय दर्शन की टेंशन लग रही, कैसे हुई है? इतो तो राग भरो, इतो तो ब्याह करवे के भाव आ रहे, इतने तो खावे पीवे के भाव आ रहा, मारे जा रहे, जे छूटे कैसे हुए कि नहीं। नहीं, पर प्रकाशन आत्मा के स्व प्रकाशन को प्रभावित नहीं करता, अर्थात उस काल में भी स्व जगमगा रहा है। पर प्रकाशन को समझो, एक बढ़िया प्यारा दृष्टांत देते हैं। टॉर्च से हम लैटरिन देख लें, फिर टॉर्च को क्या होगा? फिर टॉर्च से हीरा देगा, सोना चांदी देगा, टॉर्च को क्या बोलेगा? क्या हो गया? जैसे मेरे ज्ञान ने मोहराग देश विकारों को जान लिया, गुणस्थान को जान लिया, गुणस्थान प्रमाण विकारों को जान लिया, मेरा क्या बोलेगा? जिस स्व प्रकाशन, फिर से बोलता हूँ, कुछ कह रहे हैं हम जल्दी से। स्व प्रकाशक दो प्रकार के हैं, एक सहज स्व पर प्रकाशक जो एक इंद्री से लेकर सिद्ध तक है, कहाँ तक है? एक इंद्री से लेकर सिद्धों तक। लेकिन एक प्रयोजन परक स्व पर प्रकाशक है, जिसमें स्वानुभूति होती है, वो स्व प्रकाशक। तो पर प्रकाशन के काल में भी तुम्हें स्वयं सुरक्षित दिखाई दे, ये स्व प्रकाशन है। स्वानुभूति का इतने काम है, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं, इतने में मिला दिया। बिल्कुल टेंशन नहीं पालो, कहाँ करें कहाँ करें, कुछ नहीं कर, करने तो कुछ यही समझ नहीं है बस। ये बहुत सुंदर शब्द है, इसके अनेक आकार दिखने पर भी, विविध रूप दिखने पर भी, एक ही हो मैं ऐसा ही स्पर्श करता हूँ। समझ में आया? एक बार फिर से अपन इसके छंद पढ़ते हैं, कठिन तो नहीं लग रहा? ये दो ही बात इसकी सार थी बस, जो मैंने बता दी आपको। नहीं समझ में आए तो फिर देखो, कठिन जान के छोड़ना नहीं, शब्द कठिन इसलिए है कि हमारे ज्ञान में नहीं जल, वोकैबुलरी नहीं ना हमारे पास, इसलिए कठिन लगती है। बहुत सरल, फिर से पढ़ता हूँ, देखिए। हे भगवान, मैं आपके अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशमान आकुलता रहित अपरिमित अनंत उस दर्शन तथा ज्ञान रूप तेज का स्पर्श करता हूँ, मैं श्रद्धा करता हूँ। मेरा बस चले तो मैं श्रद्धा करने में अनुभव करता हूँ कहूँ, श्रद्धा में थोड़ी दूरी की हो जाती है, अनुभव करने में थोड़ा तादात्म हो जाता है। श्रद्धा में क्या लगता है पता है? हाँ, हम श्रद्धा करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं करते, चारित नहीं करते, सुख नहीं, भील नहीं, नहीं नहीं, अनुभव करता हूँ। क्या कहा, समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, स्पर्श का अनुभव, समझ आया? तो श्रद्धा का अनुभव कठिन है, गलत नहीं, मतलब कठिन नहीं है भी, वो भी नहीं है, लेकिन समझो, स्पर्श करता हूँ, अनुभव करता हूँ, कैसा स्वभाव प्रकाश होगा, समझ में आया? चलो फिर से पढ़ो, अंतर्मुख आपके अंतर्मुख और बहिर्मुख ये ज्ञान दर्शन हो गया, अंतर्मुख बहिर्मुख इसका नाम दर्शन और ज्ञान, अंतर्मुख दर्शन बहिर्मुख ज्ञान। देखो अलग से उन्होंने नहीं कहा ज्ञान दर्शन, इसी का मतलब ज्ञान दर्शन। तो दर्शन और ज्ञान प्रकाशमान कैसा है भगवान, आपका दर्शन ज्ञान कैसा है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान कैसा है? आकुलता रही और अपरिमित माने अनंत है, इसका मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करता हूं? कि आपका जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान है वो अपरिमित है, बराबर है, अनंत है। तो ये तो सरल हुआ, लेकिन अभी भैया इसका अनुभव करता हूं, क्या अनुभव करता हूं? ओ, जिस विधि से आपको भी प्रकट हुआ उसी विधि से मुझे भी प्रकट होगा। क्या मैं भी तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं भी तो आत्मा हूँ, इसका नाम है मैं उनका अनुभव करता हूँ। कठिन समझ में आ रहा कुछ आपको? समझ में आया? फिर से, भगवान का अनंत दर्शन अनंत ज्ञान है,
इसका मैं अनुभव करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मतलब कि आप आत्मा हो तो मैं भी आत्मा हूँ, आप में ज्ञान दर्शन तो मेरी में भी है, उसके आश्रय से आप आनंद दर्शन ज्ञान को प्रकट कर लिया, हो तो ऐसा ही एक दिन मेरे भी होगा। यही है बस, यही है वो, मजा आ गया, मजा आ गया, ये वही हल्दी है जो तुमने पी है, वही है, अब मेरा भी कैंसर ठीक हो जाएगा, इसका नाम है अनुभव करता हूँ। समझ में आया? जानने देखने रूप चेतन तत्व के कारण प्राप्त विविध रूपता न छोड़ता हुआ भी, देखो आगे ना, विविध रूपता, विविध रूपता माने गियाकार, बहुत प्रकार का गियाकार जानने पर भी एक रूपता को नहीं छोड़ता है, स्वाभाविक है और अनंत बल से संपन्न है। क्या कहा? अनंत बल से संपन्न। फिर से कहता हूं उसको, हे प्रभु आपका अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, इसे मैं नहीं छोड़ता, किसके बल को नहीं छोड़ता, तो उसका कारण कि मेरे ज्ञान में भी अनेक प्रकार के गियाकार झलक रहे हैं। जैसे जब आप लोकल लोग को जानने से प्रभावित नहीं हुए तो मैं तो इतने से ही जान रहा हूं। क्या कहा? आप तो लोकल लोग को इतना जान रहे तो कितना गियाकार बना, और आप अप्रभावी हो तो फिर मैं भी, मेरे को तो इतना से ही जानने नहीं आता है, समझ में नहीं आया कुछ, तुम इतने से रात से हैरान हो रहे हो, इतने से दुए से, इतने से विकल्पों से हैरान हो रहे हो, कहाँ धरे होने तो आनंद, इससे आनंद गुना जानने में आ रहा है, इसका मतलब मेरा ज्ञान सुरक्षित है, दर्शन सुरक्षित है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो ध्यान से, आप उपयोग जोड़ोगे सर तो समझ में आएगा, नहीं बाकी तो सब निकलते ही चले जाएंगे। तुम्हें अभी गियाकार की तो तकलीफ ही, और है का ही तकलीफ, हे भगवान गंदे भाव का आ रहे, सादगी भाव का आ रहे, हे भगवान मरी जा रहे, पत्नी अच्छी काय लग रही, बच्चे अच्छे काय लग रहे, तो खावे पीवे के भाव क्यों आ रहे, आ रहे ही मात्र गियाकार, उस गियाकार में भी ये कहीं आएगा ज्ञान नहीं है, तो ये क्यों नहीं देख रहे इसका, या इनका कहना है हम अब ये देखने लगे, इस स्तुति के बल पर हम अब ये देखने लगे कि अनेक प्रकार के गियाकार मोह राजदेश के काल में भी मैं तो सुरक्षित हूँ, समय दर्शन हो गया, मानी अनुभूति का कलश है जी, अनुभूति का छंद है, अंतिम दृष्टांत देखे बात पूरी कर रहे हैं, पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा भैया, है ना, अब हम करा नहीं सके कोई को नहीं तो हम करा देते, हम कहा देंगे, हम बता ही सके जी। देखो ये दर्पण, ठीक है, ये दर्पण जिसके सामने एक कुंटल लकड़ी जल रही, तो जब कहा हुआ सोच लो, एक कुंटल लकड़ी जल रही और एक इतना सा अंगारा जल रहा था, ये कितने गर्म होंगे, अच्छा एक अंगारा जलता हुआ देखे तो कम गर्म, और एक कुंटल अग्नि जलती हुई देखे तो ज्यादा गर्म, और फिर 100 कुंटल जल रही होंगी सामने, तो ऐसे तीन प्रकार के गियाकार बनने पर भी आप दर्पण को शीतल बांधते हो, ऐसे मोह राग द्वेष आदि को जानता हुआ भी मैं परिपूर्ण निर्मल ही हूँ, ये अनुभूति हो गई, इसका नाम है हे प्रभु आपके ज्ञान दर्शन की महिमा करने से हमारा काम हो गया है, हमने अपना स्वरूप स्वास्थ्य चख लिया, जो चाहिए था यही तो चाहिए था, तुम कैसे परेशान, सही बता 24 घंटा वही से परेशान भाई साहब, उपयोग नहीं लग रहा हो, आत्मा में नहीं जा रहा हो, ब्रह्मचर्य ले लेंगे फिर काम हुई क्या है, तो आपका तो टाइम कैसे कटे हो, अभी तो कम से कम पिट पिटा के टाइम कटे ही जा रहा, कहूँ मोड़ा की समस्या कहीं, मोड़ की समस्या कहीं, ब्याह की समस्या कहीं, फला की समस्या, मानो कम से टाइम तो कट जा, क्यों जिनको ऐसा लगता है ना 10-25 साल काटना मुश्किल है, शादी कर ली, इन्हें मोक्ष का वो नहीं चाहिए, कहे कि इन्हें मोक्ष में कैसे टाइम कटेगा, वहां तो कभी वही भी टेंशन, यहाँ तो कभी टेंशन में टाइम ही कट जाता, इतना कीमती मनुष्य भाव, और व्यापार धंधा GST लड़ाई झगड़ा JLS षड्यंत्र, कहे का टाइम अच्छे से कट जाता, कहे लॉकडाउन में जैनी परेशान नहीं हुए, लेकिन एक वजह से परेशान, भाई टाइम नहीं कटा, अच्छा स्वाध्याय कीमती हुए तो टाइम कट गया उनका, और पंडितों ने टाइम कैसे काट लिया, क्यूब पे जा जाके उनको बिजनेस तो चला चला बोल गए, 5-6-8 घंटा को ग्रंथ खोलना पढ़ना लिखाना, तो टाइम काटा, हमें एक बात सोचो वो दिन कब आएगा जब हम कोई अवलंबन नहीं लेंगे, मजा करें, ये तुम प्रैक्टिस और कर रहे अच्छे से टाइम काट गए हो, कुछ समझ रहे हम क्या कह रहे, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम अच्छे से टाइम काटो, काटो नहीं सिद्धो जैसा एंजॉय करो,
सिद्ध होकर एंजॉय नहीं करोगे सिद्ध नहीं बन पाओगे। व्यर्थ में टाइम काट रहे तो समय टाइम काट, इसका नाम भी सुख को उपाधि मानना है। समझ आए कुछ क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। जो लोग आठ आठ दस दस घंटा खूब झूम पे हैं, स्वाध्याय कर रहे करा रहे और नए नए शोध कर रहे, ग्रंथ लिख रहे, सब कुछ कर रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है हमारा टाइम अच्छे से कट गया, ऐसा जानकर वे हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, तो उन्होंने टाइम काटने को उपाधि मान लिया। समझ में आया? बहुत बड़ी बात करी, टाइम काटना उपाधि मान लिया आपने और तुम्हें स्वावलंबन ये हो गया, तो सिद्धालय ये हो गया आपको, सिद्धालय नहीं मिलेगा आपको। विचार करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी मां